फ्रेंड्स कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन डॉक्टर वंस अगेन। तो कैसा लगा आपको जन्माष्टमी का व्लॉग? होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मैं इस चैनल पर कभी कभी व्लॉग्स भी लेके आता हूँ, ट्रैवल व्लॉग्स जब जाता हूँ मैं शूट कर लेता हूँ। तो होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप नए चैनल पर तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, और इसके साथ साथ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट भी मैं डालता हूँ। तो थैंक यू फॉर योर सजेशंस फॉर द गिम्बल। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, सेल्फ थिंकिंग, सून एक दो दिन में सोच के आपको पता लग जाएगा कि कौन सी गिम्बल मैंने ली। और फिलहाल बात कर रहे हैं एक नई लीक की, जो कि है GoPro की तरफ से। तो जो जो भी एक्शन कैमरा लवर्स हैं, जैसे ये GoPro, आई हैव GoPro 5 और ये मेरे सारे काम कर देता है अब तक के, तो मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो DJI भी इस मार्केट में घुस गया है, उसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था DJI एक्शन, ऑस्मो एक्शन, वो भी एक एक्शन कैमरा था, पर उसमें काफ़ी वर्सेटाइल फीचर्स वो लेकर आया, जो कि GoPro को लगे कि उनके हाथ से गेम जा रही है, तो उनको भी कुछ उससे बढ़िया और बेहतर करना चाहिए। और सितंबर आने वाला है, सितंबर में इनका लॉन्च होता है, तो GoPro 8 की लीक्स आ चुकी हैं, काफ़ी कन्फर्म लीक हैं कि GoPro 8 अब आएगा। तो कौन कौन से खास फीचर्स जो ये सोच रहा था GoPro कि ऑस्मो एक्शन ने पहले पेश कर दिए हैं, उनसे बेहतर करने के लिए वो लीक्स कुछ आई हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि GoPro 8 में क्या क्या हो सकता है नेक्स्ट। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो के साथ, जो जो भी इस कैमरे के कमिंग कैमरा फ्रॉम GoPro एक्शन कैमरे के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा फीचर और सबसे जो खास फीचर था ऑस्मो एक्शन में जो उन्होंने पेश कर दिया था, वो था फ्लिप स्क्रीन। जैसे ये 5 है, इवन के 7 में भी बस ऐसी स्क्रीन आती है सामने, जिसमें आपको पैरामीटर्स पता लग जाते हैं कि क्या चल रहा है, कितने फ्रेम पर सेकंड पे आप वीडियो बना रहे हैं, वाइड व्यू है, सुपर व्यू, बस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पर आपको अपनी फ़ोटो यानी टिल्ट स्क्रीन वाला, जो अपनी आप अपने आप को फ्रेम कर पाएँ, वो चीज़ इसमें नहीं दिखती। तो ऑस्मो एक्शन ने वो चीज़ यहाँ पर एक स्क्रीन लगा के कलर्ड वो काम कर दिया। पर उसमें एक ड्रॉबैक ये काफ़ी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक टाइम पे उसकी एक ही स्क्रीन चलती है, या तो ये आगे वाली स्क्रीन चल रही होगी या पीछे वाली स्क्रीन चल रही होगी। तो ये काफ़ी पॉइंट लोगों को अच्छा नहीं लगा, बट मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल ये इसको नेगेटिव पॉइंट माना जा रहा है काफ़ी लोगों से। बट GoPro अब क्या सोच रहा है, GoPro 8 में स्क्रीन आएगी, लेकिन दे आर थिंकिंग ऑफ कि वो एक तरह से ऊपर टिल्ट करेगी, फ्लिप होगी, और आपको एक एडिशनल स्क्रीन, जो स्क्रीन यहाँ पर दिख रही है वही स्क्रीन टिल्ट होकर आगे दिखेगी, जैसे हमारे G7X और काफ़ी ऐसे जो टिल्टेबल कैमराज में माना जाता है। तो उस तरह से आपको स्क्रीन में, अब कलर स्क्रीन में आपको दिखने को मिल जाएगा। तो ये तो था पहला फीचर कि आपको स्क्रीन मिलने वाली है ऑस्मो एक्शन के जवाब में। GoPro 8 में आपको फ्रंट स्क्रीन देखने को मिलेगी, बट वो मोस्ट प्रॉबली ऐसे नहीं होगी, वो फ्लिप करेगी कुछ हिसाब से। नंबर टू, सेंसर इम्प्रूवमेंट। अब तक के इसका जो सेंसर है वो लो लाइट में इतना अच्छा परफॉर्म एक्शन कैमराज नहीं कर पाते। अच्छी लाइट हो तो ग्रेनी, अच्छी लाइट हो तो अच्छा शॉट तभी मिलता है, अगर हल्की सी भी लाइट कम हो। कल मैंने GoPro पे जो नाइट वाले शॉट्स लिए थे, तो कल जो व्लॉग मैंने शूट किया था iPhone XS से किया था, दोनों 4K पे थे, तो बट iPhone XS की परफॉर्मेंस लो लाइट में अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो वही प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने के लिए इसका सेंसर इम्प्रूव होने वाला है, जो कि अब जो आएगा GoPro 8 में इम्प्रूव्ड सेंसर, इम्प्रूव्ड लो लाइट कैपेबिलिटीज़ के साथ आएगा। अब तीसरा पॉइंट ये है कि अब तक के 4K में जो 7 इनका लेटेस्ट था, उसमें आपको 4K अप टू 60 फ्रेम पर सेकेंड तक आई थिंक मिल गया था, लेकिन अब जो आने वाला है GoPro 8, उसमें बताया जा रहा है कि 120 फ्रेम पर सेकेंड सुपर स्लो मोशन आप कर पाएंगे, वो भी 4K के ऊपर, और इसके साथ लीनियर मोड भी आपको 4K में मिल जाएगा। अभी तक GoPros में जो लीनियर मोड होता है, जिसमें आपको फ्लैट प्रोफाइल सिनेमैटिक, जैसे अब जैसे ये सीन चल रहा है इसमें बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, अगर हम इसको 4K में शूट करते हैं इससे, तो वो लीनियर मोड आपको इसमें नहीं मिलता एक्शन कैमरे में, अब तक 7 में भी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब लेकिन फुल HD में मिलता है, 4K में नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जो GoPro 8 आने वाला है उसमें आपको लीनियर व्यू मिलेगा
4K में भी, ताकि आपके शॉट्स सिनेमेटिक लग सकें इवन इन द एक्शन कैमरा। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, अगर 4K में आप इस कैमरे से शूट कर रहे हैं तो एक वो फिश आई इफेक्ट आता है गोल सा, क्योंकि उसमें लीनर ऑप्शन है ही नहीं। लीनर ऑप्शन मिलती है फुल HD पे, लेकिन अब GoPro 8 में वो कहा गया है कि आपको 4K में भी लीनर ऑप्शन दी जाएगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आपको फ्लैट प्रोफाइल मतलब अच्छा सिनेमेटिक सीन आप शॉट कर पाएंगे। तो एक बार फिर से समराइज कर सकता हूँ सारे, एक बार जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए हैं, फ्लिप ऑफ स्क्रीन आएगी ताकि आप नाम को फ्रेम कर सकें। सेकेंड, आप उसमें इम्प्रूव्ड सेंसर लो लाइट की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, अच्छी क्लैरिटी लाने के लिए इस कैमरे में, एक्शन कैमरे में। नंबर 3, 4K वीडियो अप टू 120 फ्रेम पर सेकंड पे पॉसिबल हो जाएंगे। और नंबर 4, इसके साथ साथ लीनियर मोड भी आपको 4K पे मिलेगा। और इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट जो है स्टेबलाइजेशन वाला, वो हर एक मोड पे, चाहे आप 4K पे शूटिंग कर रहे हैं, चाहे 4K 60 फ्रेम पर सेकंड, 4K 120 फ्रेम पर सेकंड, हर एक शॉट पे दे ट्राइंग टू ब्रिंग स्टेबलाइजेशन जो GoPro 7 में आई थी, वो इसमें आपको GoPro 8 में मिले। और लास्ट पॉइंट है HDR, जो कि काफ़ी बढ़िया कलरफुल डायनेमिक वीडियोस लगते हैं। GoPro 7 में अब तक सिर्फ फोटोज़ HDR आई थी, लेकिन GoPro 8 में वीडियोस भी HDR आने की लीक आई है। तो ये सब कुछ थे आने वाले GoPro 8 के बारे में लीक्स, और काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है कि ये सच है। तो बने रहिए चैनल के साथ, आपको पता लगेगा जब वो रिलीज़ होगा। सितंबर में वो लॉन्च करते हैं जहाँ तक पूरा अनुमान है, तो सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में GoPro का 8 वर्जन, लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हो जाएगा। तो जो जो भाई इंटरेस्टेड हैं अभी वेट कर लें, अगर आपके एक्शन कैमरा लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ वेट फॉर दैट, 8 इज़ कमिंग। और प्राइस पॉइंट भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव होगा, क्योंकि ऑस्मो एक्शन काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस पर निकाला गया है, तो दे विल नॉट लॉन्च एट अ वेरी हाई रेट, रेट ऑलमोस्ट उसके कंपटीशन में रखा जाएगा। तो जो भी आपको सवाल या दिमाग में कुछ कमेंट या कुछ GoPro 8 के बारे में क्वेरी आपको आए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और घंटा भी दबा दें, तो आपको ऐसे ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसके साथ साथ ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, रूल्स रेगुलेशन जो भी आते हैं वो भी आपको इस चैनल पर मिलता है। तो प्लीज़ होप आपको पसंद आएगा वीडियो। Thank you very much, and do comment, like and share. Thank you. Enjoy.